जैन साथियों, स्वागत है आप सभी के एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, चाहे वो सीएचएसएल की हो, एमटीएस की हो, सीजीएल की हो, स्टेनो की हो, तो बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर वोकैब के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकैब को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ने में डर लगता है, या पढ़ भी लेते हैं तो उनको याद नहीं रख पाते। तो इन सभी सवालों का जवाब है कि भाई आपको सटीक क्वेश्चन जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप उनका जवाब नहीं दे सकते। अब एक दिन आपको पढ़ा दिया, दो दिन पढ़ा दिया, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं। आपको चाहिए रेगुलर एक क्लास। तो मैंने क्या किया, सुबह 9 बजे की जो आपकी इस चैनल पर क्लास होगी, वो क्लास आपकी वोकैब मंथन के नाम से रहेगी, मतलब वोकैब के लिए रहेगी। अक्टूबर में आपका एमटीएस और स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। अब इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं ये आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ। सीजीएल के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, तो सीजीएल वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। आपको पता है कि जब भी आप यूट्यूब पर जाते हैं तो वोकैब की सबसे ज्यादा क्लासेस आपको मेरी देखने को मिलती है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड। तो मुझे लगा कि एक क्लास अगर आपकी डेडिकेट कर दी जाती है तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर वोकैब के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर 25 क्वेश्चन है तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके वोकैब के रहते हैं, मतलब एमटीएस में आपके 5 से 7 क्वेश्चन वोकैब के पूछे जाएंगे। स्टेनो में इनकी संख्या 2 से 3 गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेनो में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, तो इसमें वोकैब की संख्या बढ़ जाती है। क्लोज टेस्ट हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, और PQRS हुआ, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हुए, ये मोस्टली वोकैब पर ही डिपेंड रहते हैं। तो कल से स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल धमाल मचाते हैं सुबह 9 बजे वोकैब मंथन की क्लास में। आप सबका हमें इंतजार रहेगा कल सुबह 9 बजे। थैंक यू।